गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th जनरल की बात कर रहे थे। लेक्चर 5 हुआ था, लेक्चर 6 आज करना था। तो जनरल एंट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल एंट्री कैसे होती है। उसके बाद हम लोगों ने 1, 2, 3 लेक्चर किया। उस तीन लेक्चर के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक प्रॉब्लम हो गई हम लोग को कि जनरल एंट्री पास करने में थोड़ी समस्या होने लगी थी, और उस समस्या के क्लेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड किया था। अब शायद कुछ बच्चों ने इसको वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को किया है, बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन हो भी गए थे। अब हम लोग को जो करना है, अब फिर से डेली मैंने कहा था हर दिन हर क्लास में हम लोग एक बार इसको बातें करेंगे। इसको मैंने पहले भी बताया, अकाउंट जो होता है वो 3 होता है। पर्सनल अकाउंट होता है, आपके बोर्ड पे सामने है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में सभी पर्सन जाते हैं, जो कि पर्सन 3 तरह के होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन होता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, जैसे कंपनी, HUF, AOP, BOI, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को जो बनाता है, हम लोग बनाते हैं, वो पर्सन जैसा बिहेवियर तो करती हैं, लेकिन पर्सन होती नहीं है। जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें आएंगी मैं आपको वहाँ बता दूंगा ये आर्टिफिशियल पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दूसरी बात, हम नेचुरल पर्सन की बात करें तो सब लोग जानते हैं राम श्याम मोहन घनश्याम, हम आप सब लोग क्या है, नेचर से मिले, नेचुरल पर्सन है। फिर बात आता है रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बताया था आपको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आपके घर पर कोई काम करता है और उसको आप समय से सैलरी नहीं देते हैं, तो आपको देना होता है, उसको काम कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया। अब आपके घर पे वो बार बार उसके नाम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सैलरी के फॉर्म में, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। फिर बात आता है उसके बाद इसका रोल, अगर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन होगा तो रिसीवर, या तो रिसीव करेगा या तो गिव करेगा, रिसीव करेगा तो डेबिट, गिव करेगा तो क्रेडिट। रियल अकाउंट में सभी एसेट जाते हैं, तो ऐसे या तो आ सकते हैं या तो जा सकते हैं, कम सी न तो डेबिट हो जाओ तो क्रेडिट। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है 4 चीज़ें जाती हैं, लॉस जाता है, एक्सपेंस जाता है, इनकम जाता है, गेन जाता है, ये 4 चीज़ें जाती हैं। अब इन 4 चीज़ में क्या है, इनकम एंड गेन है, डेबिट क्या होगा, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर देंगे, इनकम होगा, गेन होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये हम लोग का रूल था। तो इस रूल के बाद हम लोग को जनरल इंक्रीज करनी थी। हम लोग ने परचेज का खाली किया, क्या था हमने परचेज की, हमने क्या किया था, सबसे पहला काम किया था बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री हम लोग ने कर लिया था, या आप लोग कर ले जा रहे हैं बच्चे को भेज रहे सोल्यूशन। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस के पेमेंट की बात की थी, ये भी आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड हमने आपको पढ़ाया था कि परचेज, और फोर्थ पढ़ाया था सेल्स की एंट्री। ये 4 बातें हम आपको बता रखे हैं, इन 4 चीज़ों की एंट्री हम आप लोग को करवा चुके हैं। और एक और पचवा हमने करवाया था एसेट, जैसे एसेट्स को बेचने और खरीदने का, तो ये भी हो चुका है। यानी ये 5 तरह के हम लोग एंट्री को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को कुछ नया सीखना है, तो देखेंगे मैं कुछ नया क्या। अभी आपने परचेस किया, सेल किया, तो बताइए परचेस करते हैं तो क्या बिजनेस में परचेस रिटर्न भी तो होता होगा, कुछ खरीद के लाते हैं, डिफेक्टिव निकल गया, प्रॉब्लम हो गई उसमें, तो उसको हमको वापस भी करना होता है, तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को परचेज रिटर्न है, कोई खरीदी हुई चीज़ को अगर हम वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो हम लोग उसी की एंट्री करने की बात करेंगे। अब देखिए पहले मैं लिखता हूँ गुड्स परचेज 70,000 का गुड्स खरीदा है, तो आप देखेंगे जरा ध्यान देंगे इसको, मैं यहाँ से फॉर्मेट बनाता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट होगा जो इनके पास है। आपको पता है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट
क्रेडिट जो होता है गुड्स परचेज रुपीज 70,000 गुड्स परचेज रुपीज 70,000 70,000 का गुड्स हमने खरीदा। तो बताइए दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास गुड्स आया तो गुड्स, और दूसरा मेरे पास से पैसा गया तो पैसा। तो गुड्स हम जानते हैं कि एसेट होता है, और ये भी जानते हैं कि सभी एसेट कहाँ जाते हैं, रियल अकाउंट में क्यों एसेट होता है। एसेट का मतलब होता है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है, उसको एसेट बोलते हैं। तो गुड्स अपने बिजनेस में लाते हैं बेचने के लिए, उससे हम भविष्य में पैसा कमाएंगे, इसलिए ये एसेट है। एसेट सभी रियल अकाउंट में जाते हैं, और रियल अकाउंट का रूल होता है कम से डेबिट गोज आउट टू क्रेडिट। जब हम खरीद के लाएंगे, परचेज करेंगे, तो बताएगा खरीद के लाएंगे ना, खरीद के लाएंगे कम से है, तो कम से क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ये क्या है, कम से है, गुड्स मेरे पास आ रहा है तो ये डेबिट हो जाना चाहिए। हमारे पास कैश भी एसेट होता है, ये हम भली बात ही जानते हैं। एसेट मैं जानता हूँ सभी एसेट कहाँ जाते हैं, रियल अकाउंट में। शायद आपको याद हो चुका होगा ये बातें, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, गोज आउट है, अगर गोज आउट है तो इसको क्रेडिट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर डेबिट क्या है, गुड्स है। मैं बार बार बताता हूँ, कभी भी गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता, या गुड्स नहीं लिखा जाता, उसके जगह पे परचेज या सेल लिखा जाता। अगर परचेज होगा तो परचेज लिखेंगे, सेल होगा तो सेल। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, यहाँ बगल में डेबिट लिखेंगे, थोड़ा सा जगह के बाद लिखेंगे टू, और क्रेडिट में क्या लिखना है, कैश टू कैश अकाउंट। डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। अब आप भी अगर रफ में कर रहे हो एंट्री तो ऐसे आप लाइन खींच सकते, इसमें नहीं खींचेंगे लेकिन इसमें खींच सकते, ठीक है ना। अब हम लोग को इसी में अब आप लोग को सिखाना है। तो नया परचेज रिटर्न की बात है, तो 70,000 का जो खरीदा था, अब देखिए मैं कुछ नया लिखने जा रहा हूँ उसमें। अब आपको रिटर्न हिस्ट्री पे बताएंगे, गुड्स रिटर्न परचेज, परचेज गुड्स रिटर्न रुपीज 10,000। परचेज गुड्स रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस हो गया कितने का, 10,000 का। एक चीज में दो बातें क्या होंगी, खरीदी हुई चीज को वापस जाएगा तो गुड्स की बात करेंगे क्योंकि गुड्स जाएगा। दूसरा, जब हम गुड्स वापस करेंगे तो जितने का वापस करेंगे उतने का हमको पैसा देगा, तो दूसरी बात कैश। अब देखिए गुड्स, फिर वही बात, एसेट होता है, रियल अकाउंट में जाता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो बताइए कि गुड्स जब वापस करेंगे तो हमारे पास से जाएगा, गोज आउट तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। कैश हमारे लिए एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। अब बताएगा पैसा आएगा जब हम वापस करेंगे तो कौन सी होगा, ये होना चाहिए डेबिट। तो बताएगा डेबिट क्या होना चाहिए, कैश। तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। अब हम गुड्स तो लिख नहीं सकते हैं, हम गुड्स तो लिख नहीं सकते हैं, उसके जगह पे परचेज सेल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा मुझे,
तो परचेज सेल में अगर परचेज है तो परचेज सेल है तो सेल, लेकिन यहाँ पे तो ना परचेज है ना सेल है, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न है। तो बस परचेज लिखिए, क्रेडिट क्या करना है हमको, गुड्स के जगह परचेज ना, तो लिख दीजिए परचेज। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा एक चीज जोड़ दीजिएगा, क्या चीज? रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज तो रहेगा लेकिन वापस किया हुआ चीज है ना, तो इसलिए रिटर्न लिख देंगे, तो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, ये हो गया मेरे लिए। अब डेबिट के सामने डेबिट में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट में, अब हम आपको एक चीजें समझाएंगे, जो लोग नहीं पढ़े ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो लोग भी सुनिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी सुनिए। एक होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन आर अफेक्टेड मिनिमम टू अकाउंट, कि सभी ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करती हैं। तो दो अकाउंट कोई भी होगा, दो अकाउंट होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, मिनिमम टू साइडेड टू अकाउंट। तो मिनिमम टू साइड मतलब कम से कम दो साइड में, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो बताइए यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा जनरल में कैसे? कुछ डेबिट करते हैं किसी ट्रांजेक्शन में, तो उसी ट्रांजेक्शन में कुछ क्रेडिट भी करना होता है, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। बात दूसरी देखिए, हम बताइए जब हम खरीद के लाए तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मुझे पता था, हमको इसको कर लेते थे, लेकिन रिटर्न की बात हमको नहीं पता थी। तो ध्यान देंगे, आप जानते हैं जब खरीद के लाया तो बात सीधा कि पहले हमारे पास गुड्स आया पैसा गया, लेकिन यही आपको चीट हो जाए, गुड्स जा रहा है पैसा, वही गुड्स वापस किया, तो उल्टा एंट्री हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, उल्टी एंट्री हो जानी चाहिए ना। तो देखिए कैश है क्रेडिट है, तो वापस से डेबिट हो गया, परचेज डेबिट है तो वापस से परचेज क्रेडिट हो गया। अगर ये मेरी कही हुई बात आपको समझ में नहीं आई तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे इसको सीखे उसी तरह से काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई रिटर्न दिया हो, अगर चाहे परचेज का रिटर्न हो चाहे सेल्स का रिटर्न हो, रिटर्न को हमेशा उल्टा कर दीजिए। अगर परचेज करेंगे तो ये एंट्री होगी, तो इसको रिटर्न करेंगे तो उल्टा कर दीजिए, क्रेडिट वाले को डेबिट में, डेबिट वाले को क्रेडिट में, ठीक है ना। तो यही काम यहाँ हुआ है कि नहीं, ऐसे ही सेल्स की एंट्री होगी। तो मैंने कहा कि जब परचेज होगा तो परचेज रिटर्न वाले का आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको कहना सर उल्टा कर देंगे, परचेज के आगे रिटर्न लिख देंगे, कहानी हो गई खत्म। तो ये यहाँ तक की बात है। अब हम आपको सेल्स रिटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखिए बताएंगे कैसे सेल्स रिटर्न की हम लोग एंट्री पास करेंगे। चलिए सेल्स रिटर्न देखिए, यहाँ पर है सेल्स रिटर्न के लिए कि गुड्स रिटर्न टू, सॉरी गुड्स परचेज लिखे, गुड्स परचेज फ्रॉम रामू रुपीज 10,000। अब एक चीज यहां पे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, हमने बताया भी था अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी सामने वाले पर्सन का नाम लिखा है तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है, ठीक है ना। इफ क्वेश्चन मेंशन द नेम ऑफ द डेटर, इफ लिख लीजिएगा, इफ क्वेश्चन मेंशन द नेम ऑफ द डेबिटर एंड क्रेडिटर, इट इज अज्यूम क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी अगर किसी पर्सन का नाम दिया है ट्रांजेक्शन में तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होता है,
लेकिन उसको ये ना जैसे ये लिखा हो गुड्स परचेज फ्रॉम रामू रुपीज 10,000 इन कैश अगर लिख दे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि तब कैश में आ जाएगा, लेकिन कैश लिखा नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो देखेंगे दो चीजें, गुड्स परचेज नहीं सॉरी ये सेल है, सेल्स है फ्रॉम टू रामू, रामू को हमने बेचा तो बताएंगे आप दो चीजें, गुड्स गया पैसा आया, तो गुड्स और पैसा तो आया नहीं, अब ध्यान देंगे पैसा तो आया नहीं क्योंकि उधार है क्रेडिट पर है, तो क्रेडिट की जगह पर क्या लिखेंगे उसका है? पैसा नहीं आया तो रामू का नाम लिखेंगे क्योंकि उसका नाम को अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे, लिखेंगे कि रामू से पैसा लेना है, तो इसलिए यहाँ पे कौन आ जाएगा रामू, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है रामू का नाम आ रहा है। तो गुड्स क्या होता है, गुड्स एसेट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है क्या, कम से डेबिट होता है और गोज आउट क्रेडिट होता है। तो आप देखेंगे गुड्स जब सेल करेंगे तो मेरे पास से जाएगा तो गोज आउट होगा, तो क्या होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए, बात समझ में आई। दूसरा हमने यहाँ पे रामू क्यों लिया एक बार और बता दें, जब किसी ट्रांजेक्शन में किसी का नाम मेंशन हो तो हम मानते हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जब गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, जब पैसा नहीं आ रहा तो दूसरा काम तो नहीं हो रहा है ना, दूसरा काम के रूप में रामू का नाम अपने आप लिख रहे हैं, याद करने के लिए उससे पैसा लेना है तो इसलिए यहाँ पे रामू ले लिया, तो रामू पर्सन है, कैसा पर्सन है नेचुरल पर्सन, कहाँ जाना चाहिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बताएगा रामू से कुछ खरीदा तो रामू गिवर है तो गिवर है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, गिवर है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, बताएगा एंट्री क्या करेंगे हम लोग सॉरी रामू को बेचा है सॉरी एक मिनट, रामू को बेचा है तो रामू क्या है रिसीवर है तो डेबिट, रामू क्या है रिसीवर है, क्यों क्योंकि रामू को बेचा है ना, रामू से थोड़ी ना खरीदा रामू को बेचा है तो क्या हो जाएगा रामू रिसीवर हो गया इसलिए डेबिट हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे रामू, अब हमें बताया था आपस वापिस एस लगा दीजिए लिख दीजिए अकाउंट यहाँ लिख दीजिए डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू क्रेडिट में होना चाहिए गुड्स लेकिन गुड्स लिखेंगे नहीं तो उसके जगह पे क्या लिखना है सेल्स अकाउंट, कितने का है 70,000 का, ये हो गया सॉरी 10,000 का, ये 10,000 हो गया। चलिए अब क्या है तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न का, देखिए तो दो बातें हो गई, पैसा तो जाया आया नहीं गया नहीं क्योंकि जो हमने खरीदा था रामू से रामू का नाम आ गया वैसे क्रेडिट है, जब रामू से हमने खरीदा था तो पैसा बेचा था तो पैसा दिया था क्या रामू, पैसा नहीं दिया था तो बताए उसका नाम हमने लिख लिया, जैसे ये बुक है जब हमने बेचा था तो कहा था 10,000 रुपए का रामू को, रामू का नाम लिखा, रामू का नाम लिखा 10,000, कहा कि अब रामू से 10,000 लेना है क्योंकि हमने उसको 10,000 का गुड्स बेच दिया है, उस 10,000 में से 5,000 का गुड्स रामू उनको वापस कर दिया तो बताएगा रामू की जो लाइबिलिटी है पैसा देने की जो जिम्मेदारी है वो कितने से कम हो जाएगी 5,000 से कम हो जाएगी, तो रामू को अब कितना पैसा देना है
तो रामू को सिर्फ 5,000 देना है, यानी रामू को हमको कम करना है। तो दो बातें हैं, गुड्स है और एक है रामू। तो गुड्स क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट पे जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल होता है कम से डेबिट गोज आउट क्रेडिट, वापस करेगा तो कम से होगा आएगा तो होएगा डेबिट। ये फिर उसके बाद से रामू पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रामू गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिएगा डेबिट में आएगा क्या चीज, गुड्स। गुड्स के लिए क्या सेल्स, लेकिन वहां पे क्या लिखना आपको, रिटर्न। डेबिट टू रामू कितने का? 5,000। अब ध्यान देंगे जरा, यहां पर रामू डेबिट है तो यहां पे रामू क्रेडिट हो गया, यहां पे सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स डेबिट हो गया। आपको ये सब बनाने की कोई लफड़ा नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है तो जो परचेज की एंट्री होती है परचेज रिटर्न में उल्टा कर दीजिए, सेल्स की एंट्री है सेल्स रिटर्न में उल्टा कर दीजिए। ये रहा परचेज और सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री नहीं, तो ये एंट्री हमारे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की नहीं। अब आप लोग को एक चीज और है, एक चीज है, अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा एक बार प्रैक्टिस करिए, तो मैंने दो ही चीज यहाँ पे नहीं सिखाई है और दो चीज आगे हम लोग फिर और करेंगे। कल हम लोग नया टॉपिक इसमें और दो तीन चीजें सीखेंगे, फिर आगे ऐसे ही हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते चलेंगे। आप लोग को मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आज सेंड करता रहूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा।